दोस्तों स्वागत है आपका अपने परिवार कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं रंजन राज, उम्मीद करता हूं आप से बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों एक नया वैकेंसी अपडेट निकल के आ रहा है मेल मोटर सर्विस की तरफ से। रिक्रूटमेंट 2024 है और यहां पर जो 10th पास या बेसिकली आप कह सकते हो 8th पास जो स्टूडेंट हैं और जो ITI स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है। तो वैकेंसी है, जो भी लोग एलिजिबल हैं या जो भी लोग इच्छुक हैं, जो भी लोग क्वालिफिकेशन इसके रखते हैं वो इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देर ना करते हुए, आपका समय वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हम लोग इसके कंप्लीट नोटिफिकेशन की तरफ। देखिए भाई, ये है आपका नोटिफिकेशन, ये है आपका नोटिफिकेशन। ठीक है, इसमें देखिए कुछ चीजें मैंने हाईलाइट कर रखी हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें। ठीक है, 12 जुलाई को देखिए ये रिक्रूटमेंट आपका निकला हुआ था, 12 जुलाई को जो है ये रिक्रूटमेंट निकला हुआ था और यहाँ पे द एलिजिबल इंडियन कैंडिडेट लिखा हुआ है, यानी कि जो आप ऑल ओवर इंडिया से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो भाई ब्रांच है या जो आप कहो कि जो ट्रेड है वो कौन कौन सी है। तो यहाँ पर देखोगे आप तो पोस्ट जो है, पोस्ट किसकी है भाई, स्किल्ड आर्टिसंस की है, स्किल्ड आर्टिसन यानी कि जिनके पास क्या हो, स्किल्ड हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ट्रेड की बात करें तो मैकेनिक मोटर व्हीकल यानी कि MME ट्रेड में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, चार पोस्ट पर यहाँ पर क्या है वैकेंसी आई, कितनी पोस्ट पर भाई, चार पोस्ट पर। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेकअप आप देख सकते हो, वेल्डर की यहाँ पर एक पोस्ट पर वैकेंसी है, टायरमैन की दो पोस्ट पर वैकेंसी है, टिन स्मिथ की एक पोस्ट पर और पेंटर की एक पोस्ट पर वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 9 पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई, यानी कि सबकी लगभग एक एक पोस्ट है और टायरमैन की दो पोस्ट है और साथ ही साथ जो मोटर मैकेनिक व्हीकल है उसकी यहाँ पर दो पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। तो ये था आपका वैकेंसी का ब्रेकअप। अब अगर आगे बढ़ें तो इसमें जो आपका पे स्केल क्या रहने वाला है, पे स्केल आप देखोगे, पे स्केल आपका जो लेवल 2 का रहने वाला है 19,900 आपका बेसिक पे रहेगा। इसके अलावा जो भी आपके DA HRA वगैरह जो यानी कि अलाउंसेस रहेंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं लास्ट डेट, तो लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की, लास्ट डेट जो फॉर्म को भरने की है, लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन बिफोर 10/8/2024 यानी कि 10/8/2024 से पहले पहले आपका फॉर्म उस पते पर पहुँच जाना चाहिए जहाँ पर ये आपको भेजना है। क्योंकि ये फॉर्म कैसा होने वाला है, ये फॉर्म आपका ऑफलाइन फॉर्म होने वाला है, तो ये आपके जो लास्ट डेट है रिसीट करने की, ये 10/8/2024 आपकी होने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट ठीक ठाक है, 18 से 30 साल एज लिमिट यहाँ पर रखा गया है। 18 से 30 साल है आपको किसके लिए भाई, 18 से 30 साल है आपको किसके लिए, जनरल और EWS के लिए। बाकी अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन और अगर आप OBC हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब अगर आगे बढ़ें इस वैकेंसी में तो एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है, एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन की बात करें, देखो क्या है, अ सर्टिफिकेट इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम एनी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि जो आपका ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे अगर MME की वैकेंसी है तो मोटर मैकेनिक व्हीकल की वैकेंसी है तो आपका MME में क्या होना चाहिए, ITI होना चाहिए, यानी कि ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो 8th पास होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि ऐसे जैसे मोटर मैकेनिक के बहुत ऐसे लोग हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, 8th करके या 10th करके वो दुकान पर जो है शॉप पर हो गए जॉब वगैरह करने लगते हैं, तो अगर उनके पास 8th पास है, ITI नहीं कर रखा है, 8th पास है और साथ ही साथ उनके पास क्या है 1 साल का एक्सपीरियंस अगर वो लगा देते हैं तो वो भी इस फॉर्म को भरने के लिए क्या रहेंगे, वो भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो मोटर मैकेनिक व्हीकल वाले कैंडिडेट हैं उनको जो है लाइसेंस, जो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस HMB एंड LMB ये चाहिए होगा, सबको नहीं चाहिए होगा, जो मोटर मैकेनिक व्हीकल वाले कैंडिडेट हैं उनको HMB और LMB भी चाहिए होगा। ठीक है, अब मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। देखो, सिलेक्शन ऑफ स्किल्ड आर्टिसन शैल बी मेड फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन एंड वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ऑनली फॉर देखिए मैकेनिक मोटर व्हीकल बाई मीन्स ऑफ कम्पिटेटिव ट्रेड टेस्ट। यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होने वाला है, कम्पिटेटिव ट्रेड टेस्ट होने वाला है।
यानी कि यहाँ पर कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, ट्रेड टेस्ट के बेसिस पर आपको क्या होने वाला है, सिलेक्शन होने वाला है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो मतलब काफ़ी दिनों से वर्क वगैरह कर रहे हैं और एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब की तलाश में, भाई ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती उनकी, काम करना पड़ता है, फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छी है, तो अगर आपके हाथों में स्किल है दोस्त तो आप इसके थ्रू भी गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि कॉम्पिटिटिव ट्रेड टेस्ट यानी कि ट्रेड टेस्ट के बेसिस पर आपके यहाँ पर क्या होना है, सिलेक्शन होना है। द डेट एंड वेन्यू ऑफ द टेस्ट विथ सिलेबस, टेस्ट का वेन्यू और सिलेबस विल बी इंटीमेटेड सेपरेटली टू द एलिजिबल कैंडिडेट एट दियर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी कि एडमिट कार्ड और जो आपका सिलेबस होगा वो आपका आपके पते पर भेज दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म ही आपका होने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या है। एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड एज पर एप्लीकेशन फॉर्मेट अटैच, एप्लीकेशन फॉर्मेट जो अटैच किया गया उसी के थ्रू आपको भरना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है। द सक्सेसफुली सिलेक्टेड कैंडिडेट विल अंडरगो ए प्रोबेशन पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो 1 ईयर का आपको प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा। अगला है एप्लीकेशन मस्ट बी साइंड बाय द कैंडिडेट एंड एक्विवेलेंट विथ, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑफलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा, उसके साथ साथ आपको अपना सिग्नेचर के साथ सेल्फ अटेस्टेड करके जो निम्न डॉक्यूमेंट है उसकी फोटोकॉपी लगानी होगी। ठीक है, एज प्रूफ के लिए आप 10th लगा सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, SC ST अगर OBC हैं तो उसका सर्टिफिकेट, अगर EWS हैं तो EWS सर्टिफिकेट, अगर हैं तो अगर ट्रेड का कोई एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट, और जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसका सर्टिफिकेट, ये सब आपको लगा के कहाँ पर भेजना है भाई, ये सब लगा के आपको भेज देना है इस पते पर। ठीक है, इस पते पर आपको भेज देना है। आपको सबसे पहले लिफाफे के ऊपर क्या लिखना होगा, लिफाफे के ऊपर जो आपकी पोस्ट है उसका नाम भी आप लिख दीजिएगा, जैसे अगर आप मोटर मैकेनिक व्हीकल हैं तो मोटर मैकेनिक व्हीकल लिख दीजिएगा। देखिए, सेपरेटेड एनवलप इफ अप्लाइड फॉर मोर देन वन ट्रेड टेस्ट एंड कैंडिडेट टू सब्सक्राइब द पोस्ट अप्लाइड विथ ट्रेड, मतलब पोस्ट अप्लाइड विथ आपको लिख देना है एमिटेड लिफाफे के ऊपर, और किस पते पर भेज देना है, द सीनियर मैनेजर मेल मोटर सर्विस 134A सुदाम कालू अहिरे मार्ग वरोली मुंबई, यहाँ पर आप, ये पिन कोड है, यहाँ पर आपको भेज देना है। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी जॉब अपडेट। तो लास्ट डेट, जो लास्ट डेट है उसके पहले आपको जो फॉर्म है, लास्ट डेट के पहले आपका जो फॉर्म है वो आपका पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, तो बाकी इतना ही था, बाकी जो भी है ये आपको मैं नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। 100 रुपये का जो एप्लीकेशन फीस है वो भी आपको इसमें साथ जो है जमा करना पड़ेगा, तब आपका जो फॉर्म है ये सबमिट माना जाएगा, मतलब एक्सेप्ट होगा, और नहीं तो फिर बाद में वहाँ से क्या कर देंगे भाई, बाद में वहाँ से ये रिजेक्ट कर देंगे। बाकी फॉर्म भरने के बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है ये मैं आपको दे दूंगा इसमें टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा करियर अपडेट बाय इंजीनियर के नाम से है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर ये मैं पूरा नोटिफिकेशन और ये एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भेज दूंगा, तो वहाँ से आप अगर इसको भरना चाहें, बेसिकली यार देखो जो महाराष्ट्र के लड़के हैं मुंबई वगैरह के वो इसको भर दें, ज़्यादा सही है उनके लिए, बाकी यूपी वगैरह के हैं तो आप एग्ज़ाम देने में भी और दिक्कत सारी चीज़ समस्याएं होंगी, तो बेसिकली जो महाराष्ट्र के लड़के हैं वो क्या कर सकते हैं भाई, इस फॉर्म को फिल करें, मेरे हिसाब से प्रेफरेंस देना चाहिए, बाकी और लोग इस फॉर्म को ना भरें जो दूर दराज के हैं, तो ये भाई आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म और जो पूरा नोटिफिकेशन है ये मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में जो है प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं जो है टेक्निकल एग्जाम्स की, तो मोटर मैकेनिक व्हीकल, डीजल मैकेनिक व्हीकल, इस सारे ट्रेड के कोर्सेज हमारे एप्लीकेशन करियर अपडेट बाय इंजीनियर पर अवेलेबल है। कहाँ पर अवेलेबल है भाई, जैसे क्योंकि मोटर मैकेनिक वगैरह के कोर्स मिलते नहीं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ करियर अपडेट बाई इंजीनियर, करियर अपडेट बाई इंजीनियर एप्लीकेशन पर तो कोर्सेज हैं, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, फिटर, ढेर सारी ट्रेड के टेक्निकल कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो अगर आप उसकी ट्रेड की तैयारी करना चाहते हो तो आप एप्लीकेशन से जोड़ सकते हैं। ऐसी जॉब अपडेट मैं आपको जानकारी देता रहता हूँ, अच्छी भी जॉब अपडेट है, कुछ कम अच्छी भी जॉब अपडेट है, सारी जॉब अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाती रही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।